हाय गाइस, दिस इज संजय कुमार। वेलकम टू संजय फिटनेस। आज हम बात करेंगे वो जिम मिस्टेक्स के बारे में जो लोग जनरली करते हुए आ रहे हैं और उससे इंजर भी हो रहे हैं और अनहेल्दी भी हो रहे हैं। सो सबसे बड़ी जो मिस्टेक है जो जिम में जो करते हैं लोग, वो है विदाउट वार्म अप पुल अप करना। लोग पुल अप को एज ए वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपको फायदा नहीं नुकसान ही होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि उन लोगों को ये किसने बताया है कि वार्म अप में पुल अप करना है, या किसी ट्रेनर ने बताया है। अगर वो ट्रेनर ने बताया है तो उस ट्रेनर से बचे रहिए और एक अच्छा ट्रेनर हायर कीजिए। दूसरा, अगर ऐसे कोई और वीडियोस देखे हैं वो पुल अप करते हुए, तो आपको क्या पता कि वो लोग वार्म अप के तौर पर इसको पुल अप को कर रहे हैं। सो पुल अप को जो करना है, इन बिटवीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, दो तीन चार एक्सरसाइज के बाद पुल अप कर सकते हैं जिस दिन आपकी बैक की एक्सरसाइज है। तो पुल अप जो एक्सरसाइज है वो बैक की एक्सरसाइज है। जो लैट पुल डाउन जो मशीन होती है जिम में, उसकी जो पोजीशन है और पुल अप की जो पोजीशन है लगभग सेम होती है। आप इसको अपनी बॉडी को पुल कर रहे हो, वहाँ पे आपने वेट लगा के पुल करना है। जब लैट पुल डाउन मशीन को यूज करते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि आप 80 पे 90 पे या 60 पे अपना पिन लगाया और स्टार्ट कर दिया आते ही। तो पहले आप कम वेट लगाते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ाते हैं हर सेट में। तो सेम वही है कि जब आपने अपनी शोल्डर को वार्म नहीं किया और आके सीधे लटक गए, तो आपके जो सारा वेट है 80 किलो का हो सकता है, 70 किलो, 60 किलो, जो भी आपका वेट है, वो सारा वेट आपके शोल्डर पे आता है विदाउट वार्म अप। वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और आपकी मसल भी प्रिपेयर नहीं होती कि इतना वेट एक साथ दे सके, क्योंकि जब आप बॉडी वार्म करते हैं तो मसल भी प्रिपेयर होती है कि हाँ भाई आप ये वेट उठाने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें जो आपकी शोल्डर हेल्थ के लिए, और जिम में आप फिट होने जा रहे हो, अनफिट होने के लिए नहीं जाते। तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज ना करें जिससे कि आपको दिक्कतें हो आगे। ऐसे ना करें जैसे कि भाई ये कर रहा है वो मैं भी कर लेता हूँ। अब आपको नहीं पता ना वो बीच में कर रहा है या कि स्टार्टिंग में कर रहा है, और स्टार्टिंग में कर रहा है तो गलत कर रहा है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वार्म अप के तौर पर पुल अप बिल्कुल ना करें। तो ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कि पुल अप जो लोग करते हैं, मैंने जिम में बहुत देखा है लोग आते ही सीधा बंदर की तरह लटक जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे थंबनेल भी दिया है कि जिम में बंदर ना बने। तो मेन, आप किसी को ऐसे कॉपी ना करें बंदर की तरह, ना ऐसे बंदर की तरह लटके आके तुरंत। सो आपने पुल अप जो करना है एक प्रॉपर तरीके से पुल अप करना है, आपका शोल्डर इंजर्ड ना हो, आप वहाँ पे हेल्दी रहें। जो जिम मिस्टेक्स हैं वो मैं आगे और भी बताता रहूँगा क्या क्या जिम मिस्टेक्स करते हैं। तो ये पुल अप आप बिल्कुल ना करें एज ए वार्म अप एक्सरसाइज। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी जो आप जिम में मिस्टेक्स करते हैं। तो और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिससे कि वो भी हेल्दी रहें और ऐसी मिस्टेक्स ना करें जिससे कि वो इंजर्ड हों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ और ऐसा के रिगार्डिंग पूछना है, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को जिससे कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे डालता रहूँ तो आपको भी इन्फॉर्मेशन।